फ्रेंड्स वेलकम बैक लविन जी आकाश सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वन वीक से ना इतना बिजी है। मॉर्निंग 7 o'clock को ड्यूटी को जा रहे, नाइट में 1 o'clock हो रहा था, टाइम ही नहीं मिल पा रहा, नींद भी सही से नहीं हो पा रहा था अपने को। फाइनली वो प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, मतलब आज एक दिन कल एक दिन रहेगा, लेकिन संडे रहने के कारण दूसरे जनों को अरेंजमेंट कर दिए। अपने को ना दूसरा ड्यूटी गिरे हुआ है, एयरपोर्ट जाना है, तो एक्चुअली ना अब अपन थोड़ा टाइम लेट है, अपने को 1 o'clock को ड्यूटी रीच होना है। तो जब तक ना अपने को अफजलगंज गुरुद्वारे के दर्शन करना है, तो घर पर भी जाएंगे बोल के बता रहे थे। और साथ साथ उपेंद्रजीत सिंह को कल हम लोग ड्यूटी में थे, उपेंद्रजीत सिंह को मतलब वो वाटर डाल लिए कहते पाइप से, तो उसके वजह से ना कान का दर्द स्टार्ट हुआ उनको। तो थोड़ा बहुत महिला वगैरह कुछ भी रहे तो वो भी क्लीनिंग करवा देंगे, टैंक बोन के पास वो रहेगा, वहाँ पर भी जाएंगे, पहले बाबा जी के दर्शन कर लेंगे, बाबा जी के दर्शन कर लेंगे, वहाँ पर जाएंगे ये काम कर लेंगे, फिर उनको एज इट इज़ लेके आके घर के छोड़ के अपन फिर 1 o'clock को 1:30 को अपने को ड्यूटी पे रीच होकर वहाँ से कार लेके एयरपोर्ट जाना है। फ्रेंड्स चलो फ्रेंड्स जाएंगे, मोटर ब्लॉगिंग करते हुए भी जाएंगे। आज मॉर्निंग में बाहर गया था कार गाड़ी निकालने के वास्ते बाहर गया था, तो ऐसे आप लोगों को बताया था ना पंचर बनाने के वास्ते गए, तो पंचर शॉप सारे बंद है क्योंकि आज मुस्लिम भाइयों का मतलब कुछ फेस्टिवल है। मैं सोच रहा हूँ कि मोहर्रम वगैरह है शायद, इसलिए पूरे डेक्स वगैरह लगाए गए, भगवानों के गाने लगाए उन लोगों। चलो अभी आप लोगों को भी बता दूँ जाते जाते, तो आज संडे रहने के कारण सारे दुकान बंद रहते। चलो फ्रेंड जाएंगे, अभी निकलना एक बाकी है, अपना मोटो ब्लॉकिंग सेटअप भी रेडी टू रेडी है, अभी एक नया सेटअप भी आने वाला है, अभी आने वाले टाइम पे तेजू भी रेडी है। चलो फ्रेंड्स निकल जाएंगे अपन, अभी अर्जेंट अभी टाइम हो रहा गुरुद्वारे का, जा रहे आए बत चलो सर। सरदार अमरजीत सिंह जी महाराज, सरदार की इकबाल कौर मदान परिवार की खुशियां करी अरदास, जिन्हों के पोतरे सरदार रणबीर सिंह जी। वाहेगुरु लंगर हाले फ्रेंड्स, लंगर छक रहे सारे जनों। छक लिए कुछ आइटम लेना था, एक कड़ा लेना था, दो डक्के लेने थे, ले लिए, भाई को फोन पे कर दिए, उन्होंने चेक कर ले रहे एक बार। वाहेगुरु आपको एक बार गुरुद्वारे का व्यू बता दे। वाहेगुरु ये गुरुद्वारे का कमांड है। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, लविन जी आकाश सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वन वीक के बाद में ना अपने को वीकली ऑफ मिला है फ्रेंड्स, तो कुछ काम के वजह से बाहर जा रहा हूँ, हमारे तेजू को ड्रॉप कर देके उसके बाद में अपने को थोड़ा ATM इशू हो रहा, वो बैंक को जाके सॉल्व करना पड़ता, वो भी एक काम कर लेना है, अभी निकल रहा हूँ। फ्रेंड्स उससे पहले ना आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, अपने गाड़ी को ना 1 week से पंचर हुए, सो कितने पंचर आए हैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग देखिए फ्रेंड्स थोड़ा कुछ है, वॉशिंग करवाना है, कितने पंचर आए बोले तो रात में चेक कर रहा हूँ मैं। इसमें ना हेयर 35-40 लगाते, लेकिन मैं ना ये देखो यहाँ पर एक पंचर है आप देख सकते हैं, और साथ साथ इधर ही ना यहाँ पर ही ना 3 पंचर निकले, इसके वजह से पूरा हेयर पूरा डाउन हो गया था। फ्रेंड्स तेजू को छोड़ के कुछ काम था घर के पास, वो काम करने आया, काम खत्म हो गया, फिर अभी 11 बज रहे, जल्द से जल्द अपने को कोटी जाना है, कोटी में कुछ काम है बोल के बताया था ना मैं आप लोगों को, बैंक का काम वो काम करना है करके फिर जल्द से जल्द आना है। 2:30 को उपेंद्रजीत सिंह का स्कूल छूटेगा, छूटते फिर उनको रेडी करके फिर यहीं अपने घर के पास ही 1.2 किलोमीटर का डिस्टेंस में जू पार्क रहेगा, वो जू पार्क लेके जाना है। बहुत दिन से उन्होंने मतलब तंग कर रहे, पापा आप छुट्टी ले रहे नहीं, जू पार्क लेके जा रहे हैं मेरे को, घुमा रहे नहीं, कर रहे नहीं, ड्यूटी चले जा रहे, मॉर्निंग नाइट में कब के आ रहे आप, टाइम नहीं दे रहे घर पर बोले ऐसा, तो आज लेके जाना ज़रूरी है। और साथ साथ बारिश का भी मौसम हो रहा, वही मोमेंट मालूम नहीं पड़ रहा मेरे को अभी कैसा करेंगे, अभी बारिश गिरे तो मुश्किल हो जाता फिर जाने में, जल्द से जल्द जाएंगे फिर घर को आ जाएंगे, आके फिर उपेंद्रजीत सिंह को भी लेके जाना है अपने को। हेलो फ्रेंड्स, अपना न्यू वाला मास्क आपको बताया ना, आपको नीचे गाड़ी में रखे हुआ है, आप लोगों को बताता हूँ, फिर उसके बाद में मोटर ब्लॉगिंग सेटअप जो भी पूरा सेट करके अपन जाएंगे। फ्रेंड्स ये है देखो न्यू वाला मास्क, पहले वाले मास्क से भी ना ये बहुत बड़ा है, देखो आप लोग अभी देख सकते हैं इतना बड़ा मास्क है ना, मतलब बहुत बड़ा जो सिर रहता ना उन लोगों के वास्ते है ये मास्क। गलती से साइज़ वगैरह देखे नहीं अपन, तो ऑनलाइन में चेक करके अपन मंगा लिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अपने को काम चलना है किधर से, बड़ा साइज़ रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंप्लीट व्यू नज़र आ रहा है इसके अंदर से, तो बढ़िया है, चलो निकलेंगे फ्रेंड्स। ऑलरेडी छिटे, बारिश स्टार्ट हो गया, बारिश स्टार्ट होने से पहले अपन जल्द से जल्द जाना है, जाके अपना काम करना है, फिर घर को लौटना है। आज एक दिन बारिश नहीं गिरा तो अच्छा था, क्योंकि उपेंद्र को लेके जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं बोले तो ना बहुत सारा हेडेक हो जाता मेरे को। फ्रेंड्स आप लोगों को एक बात बताऊँ, खाली फैन के नीचे बैठने से ना, फैन के नीचे ठंडा हवा में बैठने से ना मेरे को सर्दी हो गया,
वो बारिश फुल स्टार्ट हो रहा, तो कैमरे को ना भीगने नहीं देना। गाड़ी वाले को देखो किस तरह लगा दिया, वाह बहुत गंदा स्मेल आ रहा। रोडा में देखो इतना ख़राब है ना। एक्चुअली ना बैंकिंग का टाइम 4 o'clock तक रहेगा, अपन 12 बजे तक पहुँच जाते, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस वाले मास्क से ना अपने को कोई भी दिक्कत नहीं है। अब रात के 3 बजे भी मोटर ब्लॉगिंग कर सकते हैं, पूरा रोड का नज़ारा अपने को कम्प्लीटली मिलेगा, अपने को कोई दिक्कत नहीं रहता। मैं सोच रहा था कि उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, मतलब फ़ोन पे से भी अपन काम चला सकते हैं, लेकिन जब फ़ोन पे काम नहीं करता, नेट ख़त्म हो जाता मोबाइल के अंदर, तो जब कार्ड रहना ज़रूरी है, कैश रहना ज़रूरी है, उसकी वजह से ना बैंक को जाना ज़रूरी है अपन। इसलिए आज छुट्टी मिला है, वीकली ऑफ मिला है, तो जाके अपना काम कर लेंगे। फ्रेंड्स बारिश ज़्यादा हो रहा, मैं सोच रहा कि मतलब कैमरे को अंदर लगा दिए तो ये अच्छा है, क्योंकि एक कंटेंट के चक्कर में और एक 10-15 मिनट के चक्कर में ना पूरा अपना कैमरा 11,000 का कैमरा वाट लग जाता। बारिश भी ज़्यादा हो रहा, अपन भीगे कोई परवाह नहीं, कैमरा नहीं भीगना चाहिए। बेल्ट लाया, चलो साथ साथ बेल्ट का भी एक काम करवा लेंगे। रोड़ा देखो कितना खराब रोड़ा है ना बारिश की वजह से। एक्चुअली बारिश गिरने की वजह से ना इस तरह होता। अपने को यही शॉप में जाना है भाई, ये जरा होल मार के दे दो ना बेल्ट को। और एक पतला वाला बेल्ट होना था जी, ये पैंट के पट्टियाँ क्या है छोटे छोटे दे दे रहा। नहीं नहीं ये नहीं, तुम दिए ना वो घर पे है, फिर मैं आया जब मार के दे दो उसको। ऐसा पतला वाला बेल्ट है का भी एक होना था, वो भी ले ले तुम। अब दे देते क्या, दे दो अच्छा वाला देख के दो। कैमरा है ये, मोटो ब्लॉगिंग करते शूट करते ये। ये पूरा लेदर का ही है, ये दे दो। एक बेल्ट का काम तो हो गया, बैंक का काम एक करना है रेगुलर ना, मैं यहाँ पर ही ले दूँ। लेदर के शूज़ होने दो, बेल्ट होने दो, पर्सा होने दो, यहाँ पर अच्छा मिल जाते। मेरे को मेरा कज़िन बताया यहाँ पर, जब से मैं जो भी लेना है यहाँ पर आके ले लेता हूँ। बढ़िया क्वालिटी देखो, अभी ये 1 ईयर हो रहे लेके भी, 1 ईयर 2 ईयर्स होने आ रहे अभी तो ड्यूटी में रेगुलरली यूज़ कर रहा हूँ। बढ़िया क्वालिटी है, ज़्यादा गर्मी वगैरह नहीं होता। मेरा सिर से भी ज़्यादा ना इस वाला मास्क है, इसलिए थोड़ा अलग ही दिख रहा मेरे को भी।
दिवाली का मोमेंट दिख रहा पूरा। अरे आए आए, अभी थोड़े काम कर लेके भी जा सकते थे, अभी टाइम है ना। चलो कोई बात नहीं, ये ना ये अगर ऑफिस जल्दी ख़त्म होगा ये अपन कभी भी आके कर ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बैंक का काम करना ज़रूरी है, वो काम कर लेंगे। इस गली से ना आप राइट मार लिए तो ना यहाँ पूरा फिश मार्केट आएगा, इतना बदबू आता ना फिश मार्केट का, बहुत टू मच, बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखो ये इलेक्ट्रिकल का स्कूटी जा रहा, देखो ये TVS वाले ने निकाले इलेक्ट्रिकल का, एक्टिवा जैसा मॉडल है, बढ़िया है, कलर्स में एक से कलर्स लॉन्च हुए इसके अंदर। देखो नॉइस नहीं है, फ्री पोल्यूशन, लेकिन कॉस्ट कितना है वो पता करना है। अगर एक्सचेंज में ना, एक्सचेंज ऑफर में ना अगर अपने को इसको बढ़िया रेट आ रहा तो वो गाड़ी ले लेना अच्छा है। मैं तो सोच रहा था कि मतलब इस गाड़ी को निकाल के एक टॉप एंड ले लेंगे क्या, एक बढ़िया गाड़ी राइड के लिए भी और साथ साथ अपने को ड्यूटी के लिए भी, हर चीज़ में काम में आए। मैं ऐसा सोच रहा था कि मतलब महीने में एक चार दिन बाहर आना था टूर मारेंगे वाला, ऐसा सोच रहा, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा। देखो अच्छे अच्छे लोकेशंस घूमना, अच्छे अच्छे कंटेंट्स बनाना, बढ़िया बढ़िया नज़ारे आप लोगों को बताना, बोले तो ना आप लोगों की सपोर्ट है ना बहुत ज़रूरी है। आप लोग सपोर्ट करें तो इतने सब्सक्राइबर आए लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं है। मतलब 2006 सब्सक्राइबर्स है लेकिन भाई को सपोर्ट ही नहीं कर रहे, खाली सब्सक्राइब करके छोड़ दिए ताकि मतलब हाँ है बल्कि तसल्ली देने। 2400 सब्सक्राइबर है तो मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है। मतलब 2 साल से आपके भाई मेहनत कर रहे हैं, यूट्यूब पे कंटेंट्स बना रहे, वीडियोस बना रहे, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट नहीं मिल रहा। जब तक आप लोगों का कंप्लीट सपोर्ट नहीं मिलता, जब तक मतलब सिटी का जो राइट्स रहते, सिटी का जो कंटेंट्स रहते वो तो आप लोगों के यहाँ से लाते रहता हूँ। अभी ना ड्यूटी में ना कंटिन्यू 1 वीक से ना मेरे को मॉर्निंग 6 o'clock से लेके मॉर्निंग 6 o'clock को घर पे उठ के 7 o'clock को ड्यूटी को निकल जा रहा हूँ, रात में 1 o'clock हो रहा मेरे को घर को फिर रिटर्न आए तक, कम्प्लीटली 2 महीने से ये जो नया ड्यूटी छड़ा जब से मेरे को वो टाइम हो रहा समझो, तो बहुत थक गया मैं भी, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आ रहे मेरे को, मतलब नींद बस नहीं हो रहा, इस तरह इश्यूज आ रहे समझो। इसीलिए ना आज वीकली ऑफ ले लिया हूँ मैं, आज वीकली ऑफ ले लेके ऐसे थोड़े बहुत कामा है वो कामा कर लेंगे बोले ऐसा। इतना लॉन्ग तो रॉन्ग रोड नहीं मार सकते, फिर भी कोशिश करेंगे, वहाँ अगर पुलिस वाले रहे तो ना फोटो मार देते, वो एक परेशानी। अभी ना पहले के जैसा गाड़ियाँ रोकना, अपन उनसे डिस्कस करना ऐसा नहीं है, शॉर्ट आप अगर मिस भी हो रहे उन्हें पीछे से या सामने से फ़ोटो खींच देते ख़त्म, आपको बिल आ जाता, आपको कभी भी पकड़ा जाते ना जब वो मतलब वो बड़ा बिल आपके हाथ में रख देते, ये बन के जाना है तो जाना है, आपके पास पैसे है या नहीं है उनको वो मतलब नहीं है, बनना तो बनना, जब गलती कर रहे तो गलती का भरपाई भी करना ज़रूरी है बोले ऐसा। देखो पूरा वॉइस चेंज हो गया आपका भाई का, मतलब पूरा कंप्लीट वेदर चेंज हो गया, सर्दी हो गया, बुखार है, आंखें जल रहे, फिर भी ये काम की वजह से मैं बाहर निकला हूँ। एक्चुअली सोच रहा था कि मतलब अरे चलो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन पे से काम चल जा रहा तो इससे काम चला लेंगे बोले ऐसा सोचा, लेकिन कभी कभी ना कैश भी रहना बहुत ज़रूरी है, ऑनलाइन ही नहीं कैश भी रहे तो काम बढ़िया रहेगा। अब थोड़ी जगह ना मतलब कैश ही एक्सेप्ट कर रहे, फ़ोन पे वगैरह नहीं रख रहे। को देखो पूरे ना इस तरह बनाते, कुछ आइटम्स बनाते, टोकरा बनाते, इस तरह आइटम बनाते रहते, देखो देखो बना रहे, देखो बढ़िया। और अपना कभी भी देखो, और आपको एक खासियत बताऊंगा, ये झोपड़ियों में ना, इस झोपड़ियों में ना हर एक झोपड़ी में स्मार्ट टीवी रहेगा, आप लोगों को देखने को मिल जाता है यहाँ पर, ये सारे आइटम्स बनाते हैं लगा बढ़िया है। देखो जिंदगी में आगे बढ़ना ज़रूरी है, जैसा जैसा दुनिया आगे बढ़ रहा है उसके हिसाब से अपन भी अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। आजकल के ज़माने में ना स्मार्ट टीवी कॉमन बात है, हर एक घर में, घर घर तिरंगा जैसा वर्ड है ना, ऐसा घर घर स्मार्ट टीवी। बाबा भाई ये रोड में तो ना अभी भी ट्रैफिक जाम है, देखो एम्बुलेंस फंस गया यहाँ पर,
से ज़्यादा ना, 5 मिनट का काम है, 5 मिनट के काम को अपने को 2 घंटे ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँचना है। मतलब मैं जब पहले जो ओल्डर सिटी पे कर रहा था ना, जब का अकाउंट है यहाँ पर खुलवा लिया, अभी अकाउंट मेंटेन कर रहा हूँ। चाहे तो मैं क्लोज भी कर सकता हूँ, क्लोज करके दूसरा भी अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये नोटेड होगा और डाटा बहुत पुराना है और जो पुराना रिकॉर्ड चलते जा रहा तो ये चलन को लेकर चला रहा हूँ मैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मेरे को ना मुंबई का भी ड्यूटी गिरा, एक बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर के पास ना मेरे को ड्यूटी गिरने वाला था कि ऑलरेडी गिर गया था, खाली फाइनली फिक्स होना था एक, तो फिर वो कैंसिल हो चुका है। नहीं बोले तो मेरे को मुंबई जाना पड़ता था कंप्लीट के लिए, मतलब परमानेंट के लिए, जितने दिन वो ड्यूटी रहेगा उतने दिन के लिए तो वहाँ रहना पड़ता था मेरे को, फिर अप एंड डाउन करना पड़ता था। नहीं बोले तो फिर थोड़े दिन करके फैमिली को भी लेके जाने का सोचना पड़ता था अपने को, तो इस तरह कुछ मूवमेंट था। फाइनली फिर वो कैंसिल हो चुका है, वहाँ लोकल वालों को लगा लेते बोले ऐसा बताए थे कहते। जिंदगी कब किधर रास्ता बदल जाता नहीं मालूम, तो इतना ट्रैफिक जाम है। अपन यहाँ से ना राइट गए थे हैबिट्स और कोटी, आपको जो भी लेना है ना, सोफा से चेयर्स पलंगा सारे यहाँ पर मिल जाते, पूरे होलसेल दुकान है यहाँ पर। जितने भी ऑफिस के चेयर्स होते सारे यहाँ पर मिल जाते, घर का फर्नीचर वगैरह बढ़िया। फ्रेंड्स, बैटरी पैकेज ना बहुत कम है, मतलब चार्जिंग था या नहीं था नहीं मालूम, लेकिन पूरा रेट पे आ गया। अपना बैंक का काम ना आप लोगों को जैसा कि बताया था ना, खाली 5 मिनट्स का काम है, कंप्लीट हो गया। अपने को उसके बारे में आइडिया नहीं है, तो यहाँ पर आ गए तो सिक्योरिटी करके दे दिए, कम्प्लीटली हो गया। मैं समझ रहा था कि आप लोगों को टाइम बोर्ड का ज़रा नज़ारा बताएंगे बोले ऐसा सोचा मैं, लेकिन इसमें ना चार्जिंग भी ख़त्म हो गया। अपने को ना एक पावर बैंक देना पड़ता ताकि कैमरा को चार्ज कर सके, नहीं बोले तो एक्स्ट्रा बैटरी से लेना पड़ता अपने को। अभी ना मैं रिटर्न बैक जो रूट से आया उस रूट से ले जा रहा हूँ, मेहंदीपटनम होते हुए भी चले जाएंगे घर को। अभी कुछ भी काम नहीं है तो सीधा घर को चले जाएंगे फ्रेंड्स अपन, ठीक है। स्विच ऑफ हुए तक जितना भी रिकॉर्ड हुआ जो नहीं हुआ। आप लोगों को एक बात बताऊँ, मॉर्निंग से ना मैं पानी भी नहीं लाया, बिना नहाए हुए भी काम कर रहे आपके भाई, कभी कभी करना पड़ता है था, अर्जेंट काम आ रहा है तो निकल जाना पड़ता, फिर अभी घर को जाके फ्रेशअप होना है, गर्म पानी लगा के मेट्रो जा रहा है, देखो ऊपर से मेट्रो जा रहा है, नीचे से इतना सारा ट्रैफिक जाम है ना।
पैसा अगर गाड़ी को भगाएंगे ना, कुछ माइलेज ही नहीं मिलता गाड़ी का। देखो तो डेली मोटो ब्लॉगिंग बनाना है, डेली मोटो कंटेंट बनाना है, लेकिन ड्यूटी के चक्कर में ना इम्पॉसिबल है। देखो अभी दिसंबर आ गया था ना, अपना गाड़ी लेके दो साल कंप्लीट हो जाता, लेकिन इतना मेंटेन कर देना अपन गाड़ी को, जब भी टाइम मिला गाड़ी धो लेना, साफ सुथरा रखना। तो अगले वाले को ना ऐसा दिखता कि मतलब इन लोग अभी न्यू बाइक खरीद के लाएगा, बोले ऐसा दिखता। सुपर सुपर, वाह 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 वाह, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है, गलती से इधर आगे क्या बोले ऐसा दिख रहा। लेकिन अपन वो रूट से भी गए तो इतना ही ट्रैफिक जाम रहेगा, इतना ही ट्रैफिक से गुजरना पड़ता अपने को। पल्सर 250 भी ना बढ़िया है, लेकिन जितना पल्सर 200 जो सक्सेस हुआ था ना, इसमें उतना सक्सेसफुल नहीं दिख रहा। गाड़ी कहाँ ना कहाँ फेल हुआ क्या बोले ऐसा दिख रहा। अभी भी पल्सर 200 आ रहा है, वही परचेस कर रहे, ये वाला न्यू वाला मॉडल है, 150cc है वो, 250 नहीं 150cc है। जाना बढ़िया राइड करना, सिंगल राइड, तब जाके एक बड़ा बाइक अपडेट करना अपन। अभी तो ना रॉयल एनफील्ड में ना इतने सारे मॉडल्स आ जा रहे हैं ना, मतलब जो भी गाड़ी देखो वो गाड़ी ले लेना दिल बोलता, इतना बढ़िया मॉडल्स लॉन्च हो रहे हैं। एंगल की गाड़ी को देखो क्या मॉडिफाई करें, बाजू में अभी एक बंदे बैठ सकते हैं, नहीं तो उनके लाइफ पार्टनर को बिठा के जा सकते हैं। बढ़िया, अच्छा काम कर रहे, कोई बढ़िया काम कर रहे, लोगों से हटके काम कर रहे, तो ऐसा भी जलन होता। हमारे एरिया में ना बहुत सारे जनों जलने वाले भी, बहुत सारे जनों अप्रिशिएट करने वाले भी है, भाई आपके कंटेंट्स नहीं आ रहे, हम लोग नहीं देख पा रहे, आप जाप दे रहे बोले ऐसा। लेकिन मेरा इच्छा क्या है बोले तो जितने भी कंटेंट्स है, जितने भी सब्सक्राइबर्स है, वो सारे जनों देखना, भाई को सपोर्ट करना, तो मेरे को भी थोड़ा उत्साह आता आप लोगों के वास्ते। मैं क्या कर दूँ ना, कंटिन्यू मेरा ड्यूटी में कंप्लीट कर ले, तो कंटिन्यू कर लेके एक ही बार चार दिन पांच दिन का छुट्टी लगा के ना, स्पेशली आप लोगों के वास्ते मैं पहले तो तेलंगाना प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे बोला ऐसा सोच रहा हूँ। मैं टेम्पल्स होने दो और साथ साथ पुरातन मंदिर होने दो और मस्जिद होने दो, गुरुद्वारे होने दो, जो भी रास्ते में गुजरते जो भी अच्छे दिख रहे वो सारे आप लोगों को एक्सप्लोर करेंगे बोल के देख रहा हूँ। आप लोगों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। देखो मैं जब चैनल ओपन करा था ना, जब ना खाली 25 मेंबर सब्सक्राइबर थे, मतलब जब तो मैं कास्ट के वीडियोस बनाते था, जब उतना प्रॉपर बात करना भी नहीं आता था, एक वीडियो ना खाली 6 मिनट का वीडियो है, उस वीडियो पे ना मतलब मेरे को बात करने भी सही नहीं आ रहा, मैं खुद मानता हूँ कि बात करने भी नहीं आ रहा। मैं बोल के नहीं, कोई भी कुछ काम कर रहे जब स्टार्ट कर रहे उन लोग, तो स्टार्टिंग में ना हर एक को दिक्कत आता, मतलब इस चीज़ों में
धीरे 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 आप करते रहते उस चीज का मतलब वो प्रैक्टिस हो जाता, आदत हो जाता, उसके बाद में अपने आप ठीक हो जाता। वो जब स्टार्टिंग में कंटेंट बनाते हैं ना इस तरह ज़्यादा आता था, तो वो भी बंद हो चुका है। बहुत सारे जनों बता रहे थे कि आप ना कंटेंट बनाते बनाते ये वर्ड ज़्यादा यूज़ कर रहे बोले ऐसा बता रहे थे, तो वो एक कम हो गया। घर पे ना सीताफल को याद कर रहे थे, तो सीताफल क्यों ना लेके जाएंगे बोले ऐसा सोच रहा हूँ, देखेंगे कैसा है क्या नहीं, रेट्स वगैरह कैसा दे रहे 100 रुपये डजन, वो कम नहीं करते, कम करो 70 लगाओ, एक डजन होना है नहीं 70 लगाओ, नहीं उतना नहीं है, कैश नहीं है उतना, 70 से लगाओ। वाओ फ्रेश सीताफल है, पके हुए अच्छे हैं ये, कितने दिन में पकते, राइट ओके डालो, डबल कवर दे देना, एक मिनट एक डालो पेन को, पक जाते ना पक्का, ये बिल्कुल कच्चे है, एक भी पका नहीं है, पका निकाल जा भैया, तो एक दो है तो डाल दो पके हुए, ये वाला नहीं, इतना छोटा भी नको भाई, इतना छोटा नको, इसमें से दे दो, ये डालो भाई, एक डाल दो, आप डबल कवर डालो ना, ये कैसा रखना, चावल में रखना, कल पक जाते। तो चलो सीताफल को याद करा गया, तो सीताफल दिख गया, वो भी फ्रेश है, बढ़िया है, चलो ओके दे दो। ओ शिट, ये दूसरा दे दो, 70 बोला ना, नहीं 70 बोले, नहीं 70 बोले ना, अभी दे दो 10 रुपीज़, नहीं 70 बात करें ना, रहने दो फिर आगे ले लेंगे। चलो फाइनली सीताफल भी होगा, इसको ना अभी चावल में डालना है, चावल में डाले तो कल तक पक जाती है, फिर आराम से खा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को तो सर्दी हो गया, उपेंद्र को भी सर्दी है, चलो कोई बात नहीं, मम्मी खा लेते हैं, मम्मी भी याद कर रहे थे, घर के सामने एक झाड़ है तो वहाँ पर सीताफल है, बोले ऐसा मॉर्निंग याद कर रहे थे, इसलिए ले लिया हूँ। वैसा तो फिर ठंड के मौसम आए तो खा नहीं सकते,